तो देखिए, कांग्रेस पार्टी में तीन नेताओं को नोटिस के मामले में माफी काफी या नाकाफी को लेकर असमंजस की स्थिति हो गई है। दरअसल 25 सितंबर को जयपुर में आहूत की गई कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद हुए घटनाक्रम में बगावती तेवर दिखाने वाले तीन वरिष्ठ नेताओं को पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से नोटिस जारी किया गया था। नोटिस के जवाब के बाद पहले तो तीनों नेताओं को पार्टी आलाकमान की तरफ से माफी की खबर आई, लेकिन संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने पूरे मामले को अनुशासन समिति के विचाराधीन बताया तो नोटिस पाने वाले नेताओं के सुर भी बदल गए। अब सवाल यह है कि क्या इन नोटिस की राख के नीचे कोई चिंगारी दबी है, और अगर ऐसा है तो कांग्रेस उसे दबाएगी या बुझाएगी। रिपोर्ट आप देखिए। कांग्रेस पार्टी में राजस्थान के तीन वरिष्ठ नेताओं को दिए गए नोटिस का जिन एक बार फिर से बाहर आ गया है। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है, फिर देरी किस बात की। फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। नोटिस के जवाब मिलने के बाद इन नेताओं को अभयदान दिया या नहीं, इसे लेकर पहले तो कंफ्यूजन की स्थिति बनी, लेकिन संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इस संशय को दूर कर दिया। कांग्रेस के दिल्ली के सूत्र जिन नेताओं को पार्टी से माफी मिलने की बात कर रहे थे, उन नेताओं के नोटिस के संदर्भ में केसी वेणुगोपाल ने कहा कि पूरा मामला अभी भी अनुशासन कमेटी के विचाराधीन है। वेणुगोपाल ने कहा कि अभी इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। वहीं नोटिस को लेकर धारीवाल और जोशी कुछ भी बोलने से बचते नजर आए और आलाकमान के निर्देशों का हवाला देकर चुप्पी साध ली। वहीं धर्मेंद्र राठौर से भी बात करने की कोशिश की गई, लेकिन उनका फोन स्विच ऑफ रहा। बस अब पिछले दिनों जो घटनाक्रम हुआ था उसके नोटिस के जवाब का क्या हुआ? कौन सा? पिछले दिनों जो AICC द्वारा जो मतलब की नोटिस जारी किया गया था उसका क्या? उसके बारे में आप AICC से मालूम करिए। इस बारे में ना तो मैं अधिकृत हूँ कुछ कहने के लिए, और जो एडवाइजरी है कि इस विषय पर नहीं बोलना, उसको हम अभी तक फॉलो कर रहे हैं। उधर बीजेपी भी नोटिस के बाद कांग्रेस नेताओं को माफ किए जाने को लेकर चल रहे झूठ सच के खेल पर चुटकी लेने से बाज नहीं आई। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा ये सब क्लीन चिट दिखावा है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसी बात थी तो राजस्थान दौरे पर सोनिया गांधी ने पार्टी के कुछ नेताओं से मुलाकात क्यों नहीं की। मैं सोचता हूँ क्लीन चिट दी नहीं, उन्होंने अपने आप को क्लीन चिट मान ली है। मैं मेरा ऐसा अनुमान है कि ये क्लीन चिट उनको भी नहीं मिली और गहलोत साहब को भी नहीं मिली है, क्योंकि यहाँ तीन दिन तक रहने के बाद भी सोनिया गांधी उनको आपस में दर्शन भी नहीं कर पाए एक दूसरे को। कांग्रेस में बगावती तेवर दिखाने वाले नेताओं का मामला अभी भी अनुशासन समिति के विचाराधीन बताकर केसी वेणुगोपाल ने इन नेताओं समेत दोनों खेमों के कान खड़े कर दिए हैं। अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा इसी बात की हो रही है कि क्या नोटिस की राख के नीचे दबी चिंगारी भारत जोड़ो यात्रा की राजस्थान से रवानगी का इंतजार कर रही है। शशि मोहन शर्मा, जी मीडिया, जयपुर। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है, फिर देरी किस बात की। फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए।